तो आइए दोस्तों, रामजस भाई से पूछते हैं कि वो ब्रीडिंग पे कैसे काम कर रहे हैं और काफ कैसे तैयार करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो पहले तो अपना जो भी नए व्यूअर है उनको एड्रेस कंफर्म करा दीजिए। गांव का नाम पालड़ी है, तहसील आसिंद है, डिस्ट्रिक्ट भिलवाड़ा है और राजस्थान में है और फार्म प्राची डेयरी फार्म के नाम से है। सोशल मीडिया पे भी है ना? हाँ, पेज है फेसबुक पे। अच्छा, फेसबुक पेज है प्राची डेयरी फार्म के नाम से। तो सर, आपने कट्टे कट्टी काफ़ी अच्छे तैयार कर रहे हैं आप, तो इनके बारे में बताइए कैसे कट्टे कट्टी तैयार करते हैं, मतलब क्या स्टार्टिंग से लेके, मतलब जब बच्चा एक दिन का होता है तब से लेके कैसे क्या सिस्टम रहता है, उसके बारे में बताइए। आपने पूछा, उसमें एक बात मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप जो भी गाय या भैंस किसी पे ब्रीडिंग करना चाहते हैं या फिर हमारा राजस्थान जो कि काफी पिछड़ा हुआ है, 7-8 किलो वाली भैंसें मैक्सिममली है, तो सरकार ने भी ज्यादा काम नहीं किया है, ठीक ठाक बुल नहीं है सरकार में भी और बाकी ऐसे जी आते हैं, तो रिकॉर्ड किसी का शायद पूरा मेंटेन नहीं होता है। तो इसमें क्या है, हमने ये सिमन पंजाब से जो लक्ष्मी डेयरी फार्म है सबसे पहले उससे सिमन लाए थे और ये उसी सिकंदर की कटड़ी है, 11 महीने की है, तो सबसे पहले सिमन का चुनाव बढ़िया होना चाहिए। अच्छा। और उसके बाद में काफी कहते हैं, काफी ब्रीडरों का भी मैंने सुना है, हरियाणा में भी है, जैसे किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, बाकी 1.5 लीटर दूध पिला के भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है, तैयार होती है और हम दूध के मकसद से ही काम करते हैं, पैसा कमाने, तो उसमें ठीक है, लेकिन प्रॉपर ब्रीडिंग में दूध पिलाना ही पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि बिना दूध के तो बच्चा बड़ा भी नहीं होगा। देख सकते हो आप, ये 11 महीने की है, सिकंदर की कट्टी है, सींग थोड़ा माँ का भी खुला है इसलिए खुला है, बाकी बिल्कुल जेड ब्लैक पूंछ है, एक भी बाल व्हाइट नहीं है। तो इसकी माँ कितना दूध देती है आपके पास? इसकी माँ 16 किलो दूध देती है। तो सर वो बताइए ना, मैं आप मतलब एक दिन से लेके इनको क्या खिलाए क्या करे वो सब पूरा डिटेल बताइए ना। उसमें देखो भाई साहब, 10 दिन बाद तो इसकी डिवर्मिंग की, जैसे पहले दिन से बताइए आप, जैसे बच्चा जैसे पैदा होता है उसके फर्स्ट दिन से बताइए। फर्स्ट दिन से कोलेस्ट्रॉल के तक निकालते नहीं है, खीस पूरा पिलाते हैं, पहले तो भरपेट के पी लेता है बच्चा, तब छोड़ देते हैं और खीस बिल्कुल धार वार नीचे 1-2 धार मार के छोड़ देते हैं, तो 3-4 टाइम तक वो खीस अंदर ही रहता है तो यही पीते हैं और फिर वो कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, तो क्या 10 वगैरह की ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं, क्योंकि खीस अच्छा पिलाएंगे तो बच्चे का इम्यूनिटी वगैरह सब कुछ बढ़ती है। तो उसके बाद मतलब उसके बाद 10 दिन बाद डिवर्मिंग कर देते हैं। अच्छा, डिवर्मिंग करते हैं 10-15 ml से कर देते हैं, जैसे जरूरत होती है डॉक्टर की सलाह अनुसार, फिर 10 दिन बाद 1 महीने तक 3 बार करते हैं, महीने में 3 बार, मतलब हर 10 दिन में 1 महीने तक, उसके बाद में हर महीने 3 महीने तक, और 3 महीने के बाद में डिवर्मिंग का जो है वो 3-4 महीने जैसे जरूरत होती है वैसे डॉक्टर के अनुसार पूछ लेते हैं। और मतलब इनको फिर मतलब डाइट मतलब क्या 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 देते हैं डाइट के अंदर? 3-4 महीने तक तो वैसे भी दूध से ही काम चल जाता है इनका, और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा फीड खाना स्टार्ट कर देती है, ज्यादातर अपने क्या है सभी अलग खाती है, पर मैं कहना चाहूंगा सभी भाइयों को देखने वालों को कि माँ के साथ ही बच्चे को अगर कर देते हैं तो ठीक रहेगा। तो 3 महीने के बाद कोई मतलब कोई स्पेशल डाइट है? नहीं, जो पशु बड़े पशु जो फीड खाते हैं कोई फीड इन्हें भी डाल देते हैं, इनकी इच्छा अनुसार खा लेते हैं। और बाकी एक बात बताना भूल गया था, डिवर्मिंग के बाद और डिवर्मिंग के पहले प्रोटोन जरूर देते हैं, और जब तक बच्चा छोटा होता है 1 साल तक हम हर 4th दिन प्रोटोन देते हैं, बाद में जरूरत अनुसार जब डिवर्मिंग की 4-5 दिन देके बंद कर देते हैं। अच्छा अच्छा। अभी ये 11 महीने की है तो 11 महीने तक प्रोटोन चालू ही है, 1 साल का बच्चा जब तक होता है तो उसे हर 4th दिन तक प्रोटोन देते हैं, और बाद में तो जब डिवर्मिंग करेंगे तब भी बाकी, तो इसने 7 महीने तक दूध पिया था पूरा, अपने माँ का पूरा दूध पिया, हाँ माँ का पूरा दूध पिया था, और फिर फीड पे सेट हो गई है। अच्छा, इसकी माँ ने दूध निकलवाना बंद कर दिया था। अच्छा, तो ये कौन से बुल की है? ये सिकंदर की है, लक्ष्मी डेयरी फार्म। हाँ, लक्ष्मी डेयरी फार्म का जो सिकंदर बुल है, रानी का बेटा। कितने महीने की है? कितने महीने की? 11 महीने की है। 11 महीने, इसके नीचे का सिस्टम दिखाना भाई साहब। 11 महीने 2 दिन की है, थोड़ा सा आगे करना। ठीक है ठीक है ठीक है। पेट भुट्टा भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट मुर्रा के हिसाब से शानदार है, पर वह सींग थोड़ा माँ का भी खुला है और सिकंदर का भी खुला है, तो वो थोड़ा इफेक्ट है।